हेलो जैन साथियों, मैं ऋषि और आप देख रहे अपने यूट्यूब चैनल आर एस ऋषि ब्लॉग। अभी हम मौजूद हैं अपने गांव में, और गांव में कहाँ हैं, ये भूतनाथ में है, भूतनाथ में मंदिर परिसर में है। और यहाँ देखिए पूजा को लेकर देखिएगा तैयारी, देखिए कितना अभी जोरों शोरों से, देखिए यहाँ का सभी मंदिर को भी पेंट किया जा रहा है। देखे ये भोलेनाथ का मंदिर है, इसको भी देखिए पूरे गेरवे रंगों में पेंट कर दिया गया है, बहुत ही आकर्षक देखने में लग रहा लाइटिंग। और ये देख पा रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट में माता पार्वती की मंदिर को भी पेंट किया ही जा रहा है, देख पा रहे हैं पूरा एकदम सभी लोग लगे हुए हैं काम को करने में। और अभी ये जो पूरा मंदिर ग्राउंड है, इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी रंगाई का काम चल रहा है। और उधर देखिएगा मूर्ति का भी काम पूरा प्रोसेस से चल रहा है। और इधर देख पा रहे हैं इधर चारों तरफ मेला ग्राउंड में देखिए ये झूला तारा माची सब भी आ गया। और इधर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। और देखिएगा अभी से ही दुकान लेने की होर लग चुकी है, देखिए चारों तरफ दुकान का जो बांस जो छेकन दिया जाता है वो देखिए पर भी रहा है। देखिए अभी कितना सारा दुकान का अभी देखिए यहाँ पे बाउंड्री दिया जा चुका है, देखिए चारों तरफ। अभी तो बच्चे खेल रहे हैं लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ का माहौल ही कुछ बदलने वाला है। देखिए ये भूतनाथ का मेरा ग्राउंड, देखिए बहुत ही आकर्षक बहुत ही बड़ा दिख रहा है। ये ग्राउंड पे ही है मेला ग्राउंड पे, देखिए एक आए हैं यहाँ पे जमीन देखने के लिए काय जो मेला में दुकान खोलेंगे। किस चीज का दुकान खोलिएगा? आइसक्रीम का खिलौना का। देखिए मेला में आते हैं तो इनका दुकान दिखिएगा, पार्वती मंदिर के जस्ट बगल में है। और इनसे ताजा ताजा आइसक्रीम खाइएगा, आइसक्रीम गर्म तो नहीं रहेगा? नहीं, देखिए आइसक्रीम एकदम ठंडा मिलने वाला है। मेला ग्राउंड तमाम भक्तों से आग्रह है आप अधिक से अधिक संख्या में आए। चलिए आपको हम दिखाते हैं, आपको मूर्ति का कुछ अपडेट दिखाते हैं कि मूर्ति कहां तक बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम लोग मंदिर के ऊपर में जाते हैं और वहां का अपडेट दिखाएंगे आपको। आपसे आग्रह है कि मेला संबंधित सभी अपडेट को आप हमारे चैनल से देख सकेंगे, इसलिए आपसे आग्रह आप वीडियो में पूरा बने रहें। देखिए हम लोग ये सीढ़ी है, दोनों तरफ से चढ़ने का व्यवस्था है। श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा मंदिर भूतनाथ विश्वकर्मा डोला खेसरबा का बिहार। चलिए हम लोग आ जाते हैं मंदिर के ऊपर, जैसे आ गए हैं देखिए यहाँ पे मूर्ति बनने का काम बहुत ही जोरों शोरों से लगा हुआ है, देख पा रहे हैं सभी कारीगर लोग कारीगर के साथ। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इनका साथ दे रहे हैं क्या, देखिए पूरा काम जारी है। ये देख पा रहे हैं पूरा प्रतिमा जो है 15 तारीख से एक पूजा 15 अक्टूबर से, देखिए उसी को लेकर सभी कलाकार लोग ध्यान में रखते हुए कि सभी काम सही समय पर हो जाए लगे हुए हैं, रात दिन काम किया जा रहा है। और ये देखिए ये टकला, देखिए ये टकला का टीक, देखिए टीक देख पा रहे हैं, ये देखिए इसका दांत, अरे लिखे दांत, ये देखिए शर्मा रहा है इनका। अरे ये सर देखिए, ये देखिए लिखे लड्डू बाबा, देखो गणेश जी कतना नाम छे लंबोदर गणपति, हे देखो ये देखो माता सरस्वती अभिना, देखो कार्तिक जी कैसा पानी रो छे। और यहाँ देखो दांत के कारी दिल देखा जाओ, भगवान दम मारा। और देखिए पूरा जो मूर्ति निर्माण है वो पूरा जोरों शोरों से है। और ये आपको हम दिखा दें, ये हमारा भूतनाथ का मंदिर बहुत ही आकर्षक है। इस तरह का देखिए बहुत ऊंचा मंदिर है, इस तरह का मंदिर आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। अभी इसका काम प्रोसेस में है, जब ये मंदिर पूरा बन जाएगा तो बहुत ही आकर्षक अपने आप में लगेगा। देखिए कुछ कलाकार लोग इनको तो जब से निर्माण हुआ है तब से ही कलाकार आ रहे हैं, देखिए उस समय छोटे थे और बाद 10 साल हो गया, देखिए कितना बड़े भी हो गए कलाकार के साथ। देखिए अरे सर देखिए दांत देखें छा का, अरे बाबा। चलिए हमारे साथ जो है इस जो मूर्ति का निर्माण करते हैं उनके कलाकार जुड़ चुके हैं क्लास भैया। आप बताइए कि यह काम जो मूर्ति बनाने का कब से करते हैं? हम तो काम जो है लमसम 2020 से अपने हाथ से कर रहे हैं। देखिए आज से 23 साल पहले, 23 साल से अपना काम खुद अपने हाथों से करते हैं। इससे पहले अपने पिताजी का साथ देते थे, लेकिन जो इनके अपने ताकत से काम 2020 से करते हैं। और यहाँ जो मूर्ति बनाना है, आप कब से मूर्ति बना रहे हैं? यहाँ तो जो है 2012 में निर्माण हुआ है, 2012 से काम कर रहे हैं। देखिए 2012 ईस्वी में आपको बता दें
कि श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा मंदिर भूतनाथ जो 2012 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ था, तभी से इन ये यहाँ पे मूर्ति बनाने का काम करते हैं। और इनका पता बता दें, हीरामन आर्ट पुरानी रहता इनका गांव है। अगर आपको किसी प्रकार का मूर्ति बनवाना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। यज्ञ का मूर्ति बनवाना हो या कोई भी रामलीला का हो या गणेश पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, सीमेंट का हो, किसी प्रकार का मूर्ति बनवाना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं इनका कारीगरी, अभी तो ये पूरा मूर्ति बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अभी से इसका डिज़ाइन खुलने लगा है जो बहुत ही आकर्षक है। और उसको देखिए अभी से छोटा छोटा बच्चा देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। क्या है, ये सब माहौल ही अलग हो जाता है। जैसे ही अश्विन महीना का घुसता है, समझिए माहौल एक शरीर में अलग ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार देखिए अभी अलग इनर्जी आ जाता है कि मेला जाना है, और मेला को लेकर तैयारी देखिए ये सब पूरा करते हैं, जोर शोर से तैयारी करते हैं। क्या तो मेला में क्या क्या तैयारी है, पूरा तैयारी है ना। देखिए कहता हाँ, इशारों में इसने बोल दिया, कहता बहुते कहा जे मेला में चाटूट खाएगा कि ना, कहता चाटूट खाएगा तू रे। ये देखिए इसका टीक तो नहीं देख पा रहे, गजब है। चलेगा आज मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट को लेकर, तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई।